इफेक्ट्स ऑफ एयरबोर्न टॉक्सिक्स है क्या एयरबोर्न आल्सो क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू दी टाइप्स ऑफ दाइप दे हैव ऑन द बॉडी अब बेसिकली ये वो तमाम चीजें हैं जो इंसानी सेहत के लिए हार्मफुल हैं आर इटेंटेंसिस दैट काज इिटेशन टू द स्किन आइज इनर लिंग एंड द नोज माउथ थॉट एंड अपर रेस्परेटरी ट्रैक्ट ये जितने भी वर्ड्स मैंने बोले हैं ये तमाम चीज़ों का लिंक आपकी बॉडी के साथ है और इन इसके अगर कहीं पे भी इरीटेशन का बायस होता है तो इसका मतलब है कि ये तमाम चीज़ें एयरबॉर्न टॉक्सिक्स की वजह से ही पॉसिबल है और अगर इसको देखा जाए एस फिक्स आ सबस्टेंसिस दैट कैन डिस्टर्ब्ड ब्रीथिंग सो देवियलीट सटिंग रिजल्ट बाद हम सांस लेते हैं जब सांस लेते हैं तो वो चीज़ हम इनल करते हैं तो बाद में उसको बाहर निकालते हैं इस अमल में अगर कोई एयरबोर्न टॉक्सिक्स है तो इनहेल करने से जब वो आपकी रेस्परेटरी सिस्टम के जरिए अंदर जाएगा और तो वहाँ पर जाके इरीटेशन का या प्रॉब्लम का बायस बनता है तो इस चीज़ को भी हम लोग एयरबोर्न टॉक्सिक्स की डेफिनेशन में ही लेते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये वो इसका पिक्टोरियल इफेक्ट है नार्कोटिक्स एनिस्थीटिक्स एस्फियंस इिटेंस इफ़ेक्ट्स ऑफ एयरबोन टॉक्सिक्स ये तीनों चीज़ों को पिक्टोरियल वे में मैंने आपके सामने बयान किया है नॉर्थकोटिक्स एंड एनेस्थेटिक्स आर सिमिलर इन दैट केयरफुली कंट्रोल डोजेज कैन इनहिबिट द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विदाउट काजिंग सीरियस आर इवर्सेबल इफेक्ट इस डेफिनेशन में अगर देखा जाए तो ये चीज़ें इंसान की सेहत के लिए हार्मफुल हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा सीरियसली इफेक्ट नहीं कर रही मसलन इरिटेशन का बायस बन सकती हैं मसलन लिटिल बेड पेन का बायस बन सकती हैं और मैंने अभी आपको बताया कि ये पेन या ये इरीटेशन कहाँ हो सकती है नोज में थ्रॉट में आइज में स्किन में अगर यहाँ पे ये इरिटेशन का बायस बन रही है तो इसका मतलब है कि एयरबोर्न टॉक्सिक्स आपके वर्किंग एनवायरमेंट में शामिल हैं इफेक्ट्स ऑफ कॉलिनेट अब यहाँ पे अगर देखा जाए कार्सिनोजेंस जो ज बेसिकली ये हैं क्या कार्सिनोजेंस बी सब्सटेंसेस हैं दैट कैन काज मेलिगनेट ट्यूमर ये थोड़े से सीरियस नेचर की प्रॉब्लम्स का बायस बन सकते हैं आर आर न्यू प्लास्टिक ग्रोथ इंसानी बॉडी के अंदर किसी किस्म की अगर बेजा ग्रोथ शुरू हो जाए किसी भी चीज़ के अंदर जो किसी भी मस्कुलर ग्रोथ शुरू हो जाए वहाँ पे तो ये चीज़ ट्यूमर तक चली जाए तो ये बहुत सीरियस नेचर की है उसके वो तमाम टेस्ट करना लाजम है जो इंसानी सेहत के लिए हार्मफुल हो सकते हैं या हेल्पफुल हो सकते हैं अ न्यू प्लाज़म इज़ कैंसरियस टिश्यूज़ अब यहाँ पे इस बात को आथर ने बयान किया है कि ये वो प्लाजम है ये वो टिश्यूज हैं जो कि कैंसर का बायस बन सकते हैं और ये सीरियस नेचर के होते हैं आ टिश्यूज दैट में बिकम कैंसेरीस और वो बाद में वही चीज़ें कैंसर का बायस बन सकती हैं अगर इब्तदाई स्टेज में इनको डिटेक्ट कर लिया जाए और प्रिवेंटिव मेजर लिए जाएँ तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इम्प्लॉइज़ है वो हेल्थी सेफ एनवायरमेंट में रहते हुए इन किस्म की डिजीज से बच सकते हैं हैजर्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हैजर्ड्स बेसिकली है क्या वाज वंस थॉट टू बी अ मेडिकल मटीरियल बिकॉज ऑफ इट्स मैनी यूजफुल करेक्ट्रिस्टिक्स वो कौन से करेक्ट्रिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से इसको हम लोग हैजर्ड्स बोलते हैं इट आल्सो इंक्लूडिंग फायर रेजिस्टेंस इट आल्सो इंक्लूडिंग हीट रेजिस्टेंस इट इंक्लूड्स मकैनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्लैक्सीबिलिटी ये वो फोर फैक्टर्स हैं अगर इनको शामिल किया जाए तो ये यूजफुल करेक्ट्रिस्टिक्स बनते हैं एसबिहोट एसबिस के लिए एज ए रिजल्ट एसबिटोज वॉज वाइडली यूज इन कमर्शल एंड इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन बिटवीन नाइन्टीज एंड नाइन्टी से ये जो सेवन डिकेड्स हैं सत्तर साल का अर्सा है इसमें ये चीज़ें वाइडली और बहुत ज़्यादा यूज हुई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर व्हेन एन इंडस्ट्रियल फैसिलिटी इज फाउंड टू कंटेन एच बिस्टोर्स सेफ्टी एंड क्वेश्चन और वो क्वेश्चन क्या था वेदर टू रिमूव इट आर कंटेन इट इसको रिमूव ख़त्म कर देना चाहिए या कि इस चीज़ों पर मुश्तमल हमें काम करना चाहिए अब ये जो हैजर्ड्स है यहाँ पे था हाँ क्या बेसिकली हैजर्ड्स आपको मालूम है कि ये वो हेडल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्मूथ फंक्शनिंग के अंदर का रुकावट का बायस बनती हैं और इसमें एसबिस्टोज में जो चार चीज़ें बयान की गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसमें फायर रेजिस्टेंस इन केस ऑफ एनी फायर क्या वहाँ पे जो फायर को प्रिवेंट करने वाले अलार्म हैं या फायर को प्रिवेंट करने वाले डिवाइसेस हैं वो मौजूद हैं अगर हैं तो इसका मतलब है कि उस हैजर्ड को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है इसी तरह हम इसको मज़ीद देखते हैं जो एसबिस्टोज हैजर्ड्स है इसमें यह भी देखा जाता है कि बिफोर मेकिंग दिस डिसीजन द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड और वो फैक्टर कौन से हैं इज़ देर एविडेंस दैट द एसबेस्टोज कंटेनिंग मटीरियल ए सी बी ए सी एम स्टैंड फॉर एसबेस्टोज कंट्रेनिंग मटीरियल एसबिस्टोज Containing material इज deteriorating. Deteriorating का मतलब है जो नुकसान का बायस बनता है कमी का बायस बनता है वट इज़ पोटेंशियल फॉर फ्यूचर deterioration? और फ्यूचर में भी क्या ये डिटोरीशन का बायस बनेगा या नहीं बनेगा इस चीज़ को हम यहाँ पे एड्रेस करते हैं और ये बेसिकली एक फैक्टर है जिसको कंसिडर किया जाता है जब हम लोग एसबेस्टोज को देखते हैं इज देर एविडेंस ऑफ फिजिकल डैमेज फिजिकल डैमेज क्या फिजिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क प्लेस को इफेक्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा इसको फिजिकल डैमेज बोलते हैं वट इज़ द पोटेंशियल फॉर फ्यूचर डैमेज सेम उसी चीज़ को फ्यूचर पे अप्लाई हम कर रहे हैं क्या फ्यूचर में भी इस किस्म का डैमेज हो सकता है या नहीं हो सकता इज देयर एविडेंस ऑफ वाटर डैमेज टू ए सी एम आ वट इज द पोटेंशियल फॉर फ्यूचर डैमेज जो भी टर्म हम स्टडी कर रहे हैं मौजूदा इन्वायरमेंट में उसको फ्यूचर में भी देखेंगे कि अगर आज एन्वायरमेंट में वो काम ठीक कर रही है तो फ्यूचर में भी वो ठीक काम करेगी इसका ये मतलब है कि आप उसकी लाइफ को देख रहे हैं कि उसमें पोटेंशियल कितना है पाँच दस बीस तीस साल तक भी उसे प्रॉपर रिजल्ट लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे और इसको हम लोग बेसिकली एसबेस्टोज हैजर्ड्स के पॉइंट्स बोलते हैं इनडोर एयर क्वालिटी एंड सिक बिल्डिंग सिंड्रोम ये टॉपिक डी स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड कन्फाइंड स्पेस का एक अहम टॉपिक है इसमें अगर देखा जाए तो ये की कंसेप्ट है की कंसेप्ट कौन सा है कि सिक बिल्डिंग सिंड्रोम है क्या इसको पहले देखते हैं अ की अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एयर क्वालिटी इनडोर विद इन दर्गेनाइजेशन विद इन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर एयर क्वालिटी कंट्रोल ठीक है एयर के अंदर एयर बोर्न टॉक्सिक्स नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिक बिल्डिंग सिंड्रोम कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एयर क्वालिटी के जो कंसेप्ट के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम देखते हैं कि जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम है कि नहीं ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ स्मेल तो नहीं है फ्रैगनेंस है और जो एयरी सिस्टम है वो ठीक है प्रॉपर वहाँ पे जो खिड़कियाँ हैं रोशनदान हैं डोल हैं या इसके अलावा एग्जॉस्ट फैन हैं इन सब चीज़ों की मदद से ही सिक बिल्डिंग सिंड्रोम से हम लोग देख सकते हैं इन रियलिटी अ सिक बिल्डिंग इज़ वन दैट मेक्स पीपल सिक बिकॉज इट हैज बिकम इन्फेस्टेड विद मोल्ड स्पोर्स एंड अदर एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर इम्प्लाई बीमार हो जाता है जबकि उसने ज्वाइन किया ऑर्गेनाइजेशन को तो वो हेल्दी था इसका मतलब है देअर इज समथिंग रॉन्ग विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन और विद इन द्रैमसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आल दो मच इज स्टिल अनोन बट यहाँ पे जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है डी स्टूडेंट वो ये है कि जो सिख बिल्डिंग सिंड्रोम है इसको अगर देखा जाए तो थर्टी परसेंट ऑफ द बिल्डिंग्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव एयर क्वालिटी प्रॉब्लम ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है सिख बिल्डिंग सिंड्रोम पाई जाती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाकिस्तान में डेवलपिंग नेशंस में डिवेल्प नेशंस में लेकिन इसकी परसेंटेज डिफरेंट है यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी परसेंटेज थर्टी परसेंट है इसका ये मतलब है कि हंड्रेड में से थर्टी परसेंट बिल्डिंग्स ऐसी हैं यूनाइट स्टेट्स में जिनको कंस्ट्रक्ट करते वक्त सिख बिल्डिंग सिंड्रोम का ख्याल नहीं रखा गया